बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम हमज़ा इस्लामिक कोज़ाइब के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए आयतुल कुर्सी का एक लाजवाब अमल लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी तमाम मुश्किल मसाइल और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगे। आपकी जो भी ज़रूरत हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयतुल कुर्सी की बरकत से पूरा फरमा देगा। मेरे दोस्तों, आयतुल कुर्सी के बारे में जो चंद अहादीस है वो आपको बताते हैं। आयतुल कुर्सी सूरत बकरा की आयत नंबर 255 है। आयतुल कुर्सी में इस्म आज़म मौजूद है और ये कुरान की सबसे बड़ी और अजमत वाली आयत है। ये आयत मुबारक एक दुआ भी हैं और ये दुनिया में हिफाजत और आखिरत में जन्नत में ले जाने का एक अजीम सबब भी है। आयतुल कुर्सी के हवाले से बहुत से हदीसें मशहूर हैं, इनमें चंद हदीस हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। हज़रत अबी कौब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को कुरान की अज़ीम आयात करार दिया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1885। एक हदीस मुबारक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को कुरान की अजीम और बड़ी आयात करार दिया। अबू दाऊद हदीस नंबर 4003। एक और हदीस के मुताबिक जिसने हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगा सिवाय मौत के। सही उल जामिया हदीस नंबर 6464। मेरे दोस्तों, आयतुल कुर्सी को मोहब्बत से पढ़ने के बेशुमार ज़ाहिरी और बातिनी फ़ायदे हैं। इस हवाले से हमने इस वीडियो में आपके लिए बहुत से वज़ाइफ़ और इनके फ़ायदे बयान कर दिए हैं। ये वज़ाइफ़ हमने बहुत से बुज़ुर्गों से हासिल किए हैं। इसके अलावा इन वज़ाइफ़ की बरकात का मुजाहिदा भी बहुत से अफराद कर चुके हैं। अगर अल्लाह की बारगाह में आपकी कोई हाजत है और आपको बेहद कोशिश के बावजूद आपकी हाजत हासिल ना हो रही हो तो आयतुल कुर्सी का वजीफा 7 दिन मोहब्बत से कर ले, इंशाल्लाह आपको आपकी हर हाजत गैब से हासिल हो जाएगी। इस वजीफे के लिए आप सबसे पहले आयतुल कुर्सी शरीफा को कागज़ पर पाक स्याही से तहरीर कर लें और उसके बाद आप फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 बार दुरूद पाक जिक्र कर लें। दरमियान में आप 300 बार आयतुल कुर्सी मोहब्बत से तिलावत करें। यह वजीफा आप 7 दिन तक जारी रखें। 7 दिन के बाद जब तक आपकी पास आयतुल कुर्सी का नक्श रहेगा आपकी हर हाजत गैबी से पूरा होती रहेगी। बाज़ बहनों और भाइयों से वज़ाइब की पाबंदी नहीं हो पाती और ना ही उनको वज़ाइब करने का वक्त मिलता है, और अगर वो वजीफा कर भी लें तो ज़्यादा इम्कान उनके नाकामी का ही होता है। तो ऐसे अफराद अगर आयतुल कुर्सी की तमाम बरकात हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जुम्मे के दिन फजर की नमाज के बाद आयतुल कुर्सी शरीफा को मश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और गुलाब से तहरीर करके अपने पास भी रखें और अपने घर में भी रखें। इसके बाद आपने कम अज़ कम 2 मिस्कीन को पेट भर कर अच्छा खाना खिला देना है। यह नक्श अल्लाह के हुक्म से आपके तमाम मकासद को तमाम ज़िंदगी गैब से पूरा करेंगे। इस नक्श की 72 गैबी बरकात है जो आपको तमाम ज़िंदगी हासिल होती रहेंगी। शर्त यह है कि आपसे ये नक्श कभी गुम ना हो। अगर कोई भाई या बहन ये अरबी नक्श खुद तहरीर ना कर सके तो वो हमसे यही नक्श सिर्फ मश्क, अंबर और ज़ाफ़रान और कुरियर का खर्चा अदा करके हासिल कर सकते हैं। यह नक्श आपकी रिक्वेस्ट पर आपको कुरियर कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर आपको ये नक्श चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राबिता करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमज़ा इस्लामिक वज़ाइब के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मज़ीद और नए वज़ाइब के वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सदके जरिए की नीयत से शेयर करें ताकि वो भी इस अमल से मुस्तफीद हो, और आप अपना कीमती राय और ख्यालात हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। आमीन।